सवाल है, अवैध मस्जिद का मुद्दा कितना गहरा है, क्यों शहर शहर पुलिस का पहरा है, दिल्ली से लेकर शिमला तक, एमपी के जबलपुर से यूपी के बरेली तक धर्म युद्ध की आग क्यों फैली है, ये विवाद सुलझेंगे या यूं चलता रहेगा ये संग्राम, आज हम इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसकी शुरुआत करते हैं दिल्ली की शाही ईदगाह और झांसी की रानी की मूर्ति मामले से। आखिर झांसी की रानी की मूर्ति को डीडीए के पार्क में लगाने का विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या शाही ईदगाह से जुड़े लोगों ने जानबूझकर एक सामान्य से मामले को विवादित बना दिया, आखिर कब ये मूर्ति डीडीए के पार्क में लगेगी। नेशनल हीरो झांसी की रानी, उनकी ये मूर्ति दिल्ली के झंडे वालान चौक पर खड़ी है। इसी मूर्ति को यहां से हटाकर डीडीए को एक पार्क में लगाना है, लेकिन देश के लिए जान न्योछावर करने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की इस मूर्ति को डीडीए के पार्क में लगाने से रोक दिया गया। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी एक लड़ाई झांसी की रानी लड़ रही है, अपनी मूर्ति की लड़ाई दिल्ली शहर में। एक साधारण मामले को धार्मिक रंग देकर विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई। शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति हटाने की प्रक्रिया को न सिर्फ बाधित किया गया बल्कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। अफवाह फैली तो हालात को संभालने के लिए पुलिस को आना पड़ा, लेकिन सवाल है ये नौबत आई ही क्यों। इसका जवाब समझने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मूर्ति को हटाने के पीछे वजह क्या है। दिल्ली शहर का देशबंधु गुप्ता चौक है जहां पर झांसी की रानी की मूर्ति है। रानी लक्ष्मीबाई की इस मूर्ति को यहां से हटाकर दूसरी जगह करीब 700 मीटर दूर ईदगाह पर ले जाया जा रहा है। देशबंधु गुप्ता चौक है और कारण है ये ट्रैफिक। ये ऐसा ट्रैफिक है जो पूरे दिल्ली के यहाँ पर कम से कम एक ऐसी दुखती रग बना हुआ है जिसे संभालना, जिसे हटाना, और यहाँ से अगर मूर्ति को दूसरी जगह रखा गया तो कम से कम इस ट्रैफिक को बेहतर रूप से हैंडल किया जा सकेगा। आम जनता की सुविधा के लिए सड़क के बीच से मूर्ति हटाई जा रही थी। झंडेवालान से पहाड़गंज तक ट्रैफिक को रेड लाइट फ्री करने का प्लान, इसलिए मूर्ति को दूसरी जगह ले जाने का फैसला 2018 में ही कर लिया गया था। तो जब हम लोग 2018 में मैं चेयरमैन बनी तो हमारे सामने ये विषय आया कि जब ये पुल लगभग बनने को तैयार था कि ये पुल बन जाएगा जब, तो उसके बाद ट्रैफिक जब तेज गति से पुल से नीचे उतरेगा तो उसके बाद आगे 3 राउंड अबाउट्स हैं, तो फिर वहाँ जाके वो रुक जाएगा। जो समस्या हम यहाँ से निकालेंगे वो समस्या आगे जाके बैठ जाएगी। ये फिर PWD का एक हमारे पास प्रपोजल आया। यानी मूर्ति हटाने का फैसला पुराना है। UTPEC भी इसके लिए अपनी मंजूरी 2019 में दे चुका है। निगम ने भी इस प्रस्ताव को 2020 में पास कर दिया था। इसी के तहत कुछ दिन पहले जब डीडीए के पार्क में काम शुरू हुआ तो शाही ईदगाह के लोगों ने रोक दिया। डीडीए के पार्क में वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 19 सितम्बर को हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और दोनों पक्षों को दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। वक्फ बोर्ड कोर्ट में अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया, उसके पास पक्के सबूत नहीं। नतीजा 25 सितंबर को हाईकोर्ट ने डीडीए के पक्ष में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मूर्ति लगाने के खिलाफ याचिका को विभाजनकारी भी बताया और कहा इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए। सभी धार्मिक रेखाओं को पार करते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक है। कोर्ट में फटकार लगने के बाद भी विरोध प्रदर्शन के कुछ मैसेज वायरल किए गए और शाही ईदगाह में बड़ी भीड़ जुटने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। एकजुट हो रहे लोगों को घर भेज दिया और पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस मूर्ति को 26 सितंबर को हटाए जाने का प्लान था, लेकिन अगले दिन शुक्रवार होने की वजह से काम रोक दिया गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज थी, इसलिए कोई काम नहीं हो पाया। माहौल को देखते हुए पुलिस वहां मुस्तैद रही, लेकिन सियासत बंद नहीं हुई। अब सवाल
सवाल ये है कि दिल्ली के शहर में जब चारों ओर एक और करोल बाग का ट्रैफिक और बाकी सारे ट्रैफिक के बीच में इसे हटाया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि क्योंकि ये मूर्ति यहाँ से 200 मीटर दूर केशव कुंज जो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसके पास है, तो अब इसे राजनीति का रंग और कम्युनल कलर दिया जा रहा है। इस ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स के बीच सवाल है कि नेशनल हीरो की ये मूर्ति डीडीए के इस पार्क में कब लगेगी। फिलहाल जब ये बात क्लियर हो गई हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद से ही उस आदेश का पालन करते हुए नगर निगम की तरफ से इस मूर्ति को लगाने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन यहाँ पर है, जो स्मारक है वो बनाई जाएगी और फिर यहाँ पर मूर्ति को लाकर लगाया जाएगा। फिलहाल मूर्ति जो है वो उस गोल चक्कर पे लगी है जो रानी झांसी रोड के नाम से मशहूर है, और वहाँ क्योंकि ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा है जिसको लेकर बीते सालों में सरकार की तरफ से पास किया गया एक प्रपोजल कि फिलहाल उस मूर्ति को वहां से हटा के दूसरी जगह लगाया जाए, जिसके लिए डीडीए ने ये लैंड दिया, एमसीडी इस पे काम कर रहा है और जब काम हो जाएगा तो जानकारी के मुताबिक मूर्ति वहां से हटके यहां लगा दी जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीति भी खूब चल रही है, लेकिन जो एमसीडी का काम है फिलहाल वो भी साथ साथ हो रहा है। जरा सोचिए कि एक राष्ट्र नायक की मूर्ति लगाने का विरोध कौन कर सकता है। जनता की सुविधा का ध्यान रखना, राष्ट्र नायकों का सम्मान करना सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह और डीडीए पार्क के मामले को सुलझा लिया है। मूर्ति जल्द लग जाएगी, मगर शिमला का मस्जिद संग्राम अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। कथित अवैध मस्जिद निर्माण की आग एमपी के जबलपुर और यूपी के बरेली भी पहुंच गई। देखिए वहां क्या हो रहा है। शांत शिमला शहर कब तक रहेगा अशांत? संजौली मस्जिद विवाद का कब होगा? शर्म करो, शर्म करो। हमारी घुसपैठियों का समर्थन करने वाले माओवादियों, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। हाथों में तिरंगा और धार्मिक झंडे लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर। हम एक बार पुणे शासन प्रशासन को बता दे, अगर आप संजौली विवाद पर कोई ढीला रवैया रखते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर पहुंचे हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर मामले को लेकर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। हम प्रदेश सरकार को बार बार चेताना चाहते हैं कि गहरी नींद से जागो, गहरी नींद से जागो, क्योंकि सनातन समाज समझ रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है कि प्रदेश सरकार इस मामले को इग्नोर कर रही है या इग्नाइट कर रही है। इसलिए बार बार हम इन आंदोलनों के माध्यम से प्रदेश सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि वो भावनाओं को समझे और संवेदनशीलता को समझे। पिछले दिनों विवाद बढ़ने पर मस्जिद से जुड़े लोगों ने खुद ही विवादित बाउंड्री गिरा दी, लेकिन हिंदू संगठन पूरी मस्जिद हटाने पर तुले। शिमला का जो संजौली उपनगर है वहाँ वो तकरीबन 160 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड क्लेम करता है। इसी तरह से अलग उपनगर है, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिले हैं जहाँ वक्फ बोर्ड अपना क्लेम ठोकता है। तो हम कहते हैं कि जो ये असीमित शक्तियाँ हैं इसमें कंट्रोल किया जाए थ्रू अमेंडमेंट, कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए और इसमें अमेंडमेंट की जाए, ताकि जो जमीनी जिहाद है जिसका एक और एक मंशा है यहाँ की डेमोग्राफी को बदलना। अगस्त महीने के आखिर में संजौली से कुछ दूरी पर दो समुदायों के बीच मारपीट का मामला इतना बढ़ जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। सितंबर भी खत्म होने वाला है, लेकिन इस मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। 5 अक्टूबर को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आया तो बड़े आंदोलन होंगे। उन्होंने कहा कि हम इस अवैध ढांचे को खुद गिराएंगे, अभी तक तो गिरा नहीं। यही बात मंडी के अंदर कही कि हम अवैध ढांचा गिराएंगे, सुनने में आया है वो भी पीआईएल में, उसमें हाई कोर्ट में अपील में आगे उन्होंने भी उसके अगेंस्ट अपील कर दी। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला अभी थमा भी नहीं था कि इसकी चिंगारी मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। जबलपुर के रांझी मड़ई में एक मस्जिद के निर्माण को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद को तोड़ने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। हमने बंद किया, तालाबंदी करी, निरंतर दो वर्षों से हम ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं, लेकिन यदि वो भूमि उनके नाम पर नहीं है तो उसको शासन अपने कब्जे में इसी समय लेने का हमें वादा करेगी, कोई हम यहाँ से पीछे हटेंगे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में सबूत भी दिखाए। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन मौके पर पहुंचा और मस्जिद वाले इलाके को सील कर दिया गया। हालांकि मस्जिद निर्माण करने वाले आरोपों को खारिज कर रहे हैं। हमारी जो भी जो मस्जिद बनी हुई है वो सब रजिस्ट्री वाली ज़मीन में बनी हुई है और कहीं से कोई अवैध निर्माण नहीं है, है ना। जो ये आवेदन दे रहे हैं, लगभग 3 साल से ये आवेदन दे रहे हैं, दिए हुए हैं, न्यायालय में जो मामला चला है आज तक इनकी उपस्थिति कभी न्यायालय में नहीं हुई। हिंदू संगठन, मस्जिद कमेटी और पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं थे। काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस ने भरोसा दिलाया और मस्जिद के निर्माण की नए सिरे से जांच कर दस्तावेजों के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही। तो हमारे जो SDM साहब रांझी के, इनके द्वारा ज्ञापन लिया गया और उनको आश्वस्त किया गया कि इसमें जल्दी जांच की जाएगी और जो भी यानी विधि सम्मत कार्रवाई वो कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है जांच में कि मस्जिद का पोर्शन गलत तरीके से निर्माण किया गया तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बरेली में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब हिंदू समाज के लोग मस्जिद के कथित अवैध निर्माण का विरोध करने एक गांव पहुंच गए। इस दौरान गांव में बवाल की स्थिति बन गई और दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। अवैध निर्माण की सूचना पर बीजेपी की विधायक डॉक्टर MP आर्य अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और निर्माण को रोकने की बात कही, लेकिन निर्माण न रुकने पर विधायक और उनके समर्थक और गाँव के सैकड़ों लोग आक्रोशित हो गए, वहीं धरने पर बैठ गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप है कि हिंदू समुदाय के लोगों ने भीड़ के साथ आकर दीवार गिराई। एक विवादित स्थल की दीवार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धक्का देकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तत्काल पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था स्थापित की गई। 12 लोगों को 170 BNSS के अंतर्गत चालान किया गया तथा पर्याप्त पुलिस बल लगाकर शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में अवैध तरह से मस्जिद का निर्माण हुआ था। करीब 4 महीने पहले यहां बीजेपी नेताओं की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने निर्माण कार्य रुकवा दिया, फिर भी यहां नमाज होती थी और चोरी छिपे मस्जिद का निर्माण। फिलहाल पुलिस गांव में तैनात है, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है।